सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप लोग अपना जो दिल्ली मेट्रो है उसके जो टिकट है वो बिना लाइन में खड़े हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन से परचेज कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने एक बात वहाँ पर नोटिस किया कि मोबाइल फ़ोन होते हुए भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग नहीं कर रहे थे। वहाँ पर लाइनों में खड़े होकर के जो टिकट है वो ले रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि इसका जो एप्लीकेशन भी आता है। हालांकि इसका एप्लीकेशन पहले वाला था वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता था, DMRC है तो वो काम नहीं अच्छा नहीं करता था। लेकिन अब जो नया ऐप लॉन्च किया गया था 4 महीने पहले, वो है गाइज DMRC ट्रेवल्स के नाम से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है तो मैं इसे यहाँ पे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन आपने यहाँ पर अपना फुल नाम लिखना है, उसके बाद में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड एक OTP आएगी, OTP को यहाँ पर डाल देना है। डालते हैं, आपका अकाउंट है वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप इसको हिंदी में यूज़ करना तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर साइड में यहाँ पर देख सकते हो 3 हैम्बर्स बार दिखाई दे रहे हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे साइड में जाना है और यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप हिंदी भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने इसमें हिंदी कर लिया है। हिंदी करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली मैंशन है सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हो गाइज, यहाँ पे टिकट बुक करें, यात्रा योजना, स्टेशन खोजें, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, किराया गणना करें, लेन देन देखें, इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। आप लोग लेन देन देखें पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर है आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ओके किया। ओके करते आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ यात्राएँ की हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लंबित के अंदर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे लंबित यात्राएँ थी हालांकि, लेकिन यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को पता नहीं था कि इसमें जो टिकट होती हैं वो पहले हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि निश्चित वैलिडिटी होती है उन टिकट्स की, 1 घंटे के आसपास में होती है, मैक्सिमम 1 घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर आप यात्रा करके आ सकते हो जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ तक की, इसमें 1 घंटे तक की टिकट की वैलिडिटी होती है। हालांकि उसके बाद में यहाँ पर रद्द हो जाती है, मैंने पहले ही कर लिया था तो वहाँ पर 1 घंटा तो कब बीत गया था, इसलिए यहाँ पर रद्द हो गई। मेरे जो पैसे हैं वो ऐसे ही चले गए थे, यहाँ पर मैंने 50 रुपये का टिकट ली थी वो पैसे ऐसे ही गए। लेकिन फिर मैंने देख सकते हो यहाँ पर 2 टिकट ली हैं जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से टिकट हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा आसान काम है, आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टिकट लेना चाहता हूँ, जैसे कहाँ से कहाँ तक आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर स्रोत चुनिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैं जैसे यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वही जो मैंने पहले सर्च किया हो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर शादीपुर हो गया, शादीपुर को मैंने क्लिक किया। उसके बाद में कहाँ तक, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कहाँ तक जाना चाहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डालना है। आप लोगों को जैसे यहाँ पर राजीव चौक मान लीजिए, इस राजीव चौक आ गया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो टिकट खरीदें आप लोगों के, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आएगा और आप लोग देख सकते हो 30 रुपये यहाँ पर लगेंगे और कोई एक्सचेंज नहीं है इसमें, कोई एक्सचेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को जाना है। हालांकि कुछ कुछ जगह यहाँ पे एक्सचेंज करने की बारी भी आती है, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। जैसे आप लोग देख सकते हो शादीपुर आप लोगों को कैसे जाना होगा, तो आप लोगों को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ओर जाना है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन को आप लोगों को फॉलो करना है। हालांकि नीचे की साइड में कुछ छोटे छोटे पैर भी बने हुए होते हैं, तो आप लोग उनको फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जा सकते हो। यहाँ पर मेट्रो आएगी तो उसके अंदर आप बैठ सकते हो। बैठने के बाद में गाइस जो स्टेशन है वो देख सकते हो, यहाँ पे पटेल नगर आएगा, राजेंद्र पैलेस आएगा, करोल बाग आएगा, झंडे वाला आएगा, उसके बाद में रामकृष्ण आश्रम आएगा, उसके बाद में राजीव चौक आ जाएगा। आप यहाँ पर उतर सकते हो, उसके बाद में एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोग अपने जो टिकट है वो दिखा सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर मैं टिकट भी दिखा देता हूँ, टिकट किस तरह से यहाँ पर आती है, चलिए आप लोगों को यहाँ पर टिकट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, टिकट बुक करें यहाँ पर।
क्लिक करने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पर अपने पेटीएम के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो या फिर अदर एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप उनसे बिल्कुल आसानी से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को कुछ इस तरह से टिकट दिखाई देगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरह से आप लोगों को शो होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है इस बटन के ऊपर, टिकट देखें, देख सकते हो यहाँ पे एक साफ लिखा हुआ है टिकट देखें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोगों को कुछ इस तरह का क्यूआर टिकट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है सब कुछ। आप लोग यहाँ पे आसानी से पढ़ भी सकते हो इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, और इसको आप लोगों को प्रवेश एंट्री और एग्जिट के ऊपर आप लोगों को इसको स्कैन करना होगा। वहाँ पर एक लगा हुआ होता है मशीन, उसके ऊपर आप लोगों को दिखाना होता है, दिखाते हुए ऑटोमेटिक से यहाँ पे स्कैन कर लेता है। तो वैसे आज के इस वीडियो में इतना था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।